जय राम जी की दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु से यही कामना है। सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं समय समय पर बहुत अच्छे मुहूर्त लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। आज मैं इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए आज आया हूँ और आज का हमारा विषय है विवाह। 2021 में विवाह किस समय किया जाए ताकि वो हमारे लिए शुभ रहे, हमारे लिए अच्छा रहे, इस विषय पर जानकारी मैं आज आपको दूंगा। जो जातक मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं वो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी का कल्याण हो सके, सभी को लाभ हो सके। अब बात करते हैं कि 2021 में विवाह मुहूर्त कब कब शुभ है। वर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी महीने की अगर बात करें तो जनवरी माह में सिर्फ एक शुभ विवाह तिथि दिखाई देती है और वो है 18 जनवरी। फिर वर्ष का जो सेकंड महीना है यानी फरवरी माह, उसमें दो शुभ तिथियां हैं विवाह की जो अति शुभ हैं, वो है 15 दिनांक और दिनांक 16 है। मार्च में आपकी कोई विवाह की शुभ तिथि हमें प्रतीत नहीं हो रही है। अप्रैल माह में जो आपकी विवाह की शुभ तिथियां हैं वो है दिनांक 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसके बाद अप्रैल के बाद मई माह में जो विवाह की शुभ तिथियां हैं वो है विवाह के लिए दिनांक 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 और 30। इसके अलावा मई के बाद अगर जून माह की बात करें तो जून में आपकी विवाह की शुभ तिथियां हैं दिनांक 3, 4, 5, 20, 22, 23 और 24। इसके बाद जुलाई माह में जो विवाह की शुभ तिथियां हैं वो है दिनांक 1, 2, 7, 13 और 15। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनमें कोई मुझे शुभ विवाह की तिथि नहीं प्रतीत हो रही है। फिर बात करें अगर नवंबर माह की तो नवंबर माह में जो विवाह की शुभ तिथियां आपकी आ रही हैं वो है दिनांक 15, 16, 20, 21, 28, 29 और 30। इसके अलावा दिसंबर माह में जो विवाह की शुभ तिथियां हैं वो है दिनांक 1, 2, 6, 7 और 11। इसके अलावा 13 भी एक शुभ तिथि दिसंबर माह में है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि विवाह अगर शुभ समय पर किया जाए तो विवाह अति उत्तम होता है। विवाह में के बाद घर में किसी भी प्रकार की कलह या अशांति नहीं रहती, परिवार संपन्न रहता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कईयों के घरों में बहुत ज़्यादा कलह होती है विवाह के बाद, दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय नहीं होता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुहूर्त पर खास ध्यान दें, मुहूर्त शुभ होना अति शुभ है विवाह के लिए। इसी जानकारी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, जल्द ही आपके समक्ष एक अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए जय राम जी की, जय श्री राम, प्रभु का आप पर आशीर्वाद बना रहे।